नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिक्लेयर फैक्ट्स टीवी में। दोस्तों, भारतीय सेना में एक से बढ़कर एक शक्तिशाली फाइटर प्लेन है जिसका नाम सुनकर ही दुश्मन देश के रूह कांप जाती है। और यह फाइटर प्लेन एक से बढ़कर एक स्टेल्थ पावर के लिए जानी जाती है। यह फाइटर प्लेन हवा से हवा में मार कर सकती है और यह हवा से धरती पर भी मार करने में सक्षम है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं भारतीय सेना में मौजूद 10 सबसे बेहतरीन और खतरनाक फाइटर प्लेन जो कि भारतीय सेना की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। इससे पहले की वीडियो की शुरुआत करें, अगर आप अपने देश से प्यार करते हैं तो एक बार कमेंट में जरूर लिखें जय हिंद और इस वीडियो को साथ ही साथ लाइक कर दें। नंबर 10 पर है C-30J सुपर हरक्यूल्स। दोस्तों, C-30 सुपर हरक्यूल्स ये 4 इंजन से लेस टर्बो मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। दोस्तों, इस एयरक्राफ्ट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये किसी भी खराब से खराब वेदर कंडीशन में लैंड करवाया जा सकता है। जहां कोई और एयरक्राफ्ट नहीं जा सकता है उस जगह को भी ये एयरक्राफ्ट छू सकता है। इसके साथ ही अधिक से अधिक संख्या में हमारी सेना को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये एयरक्राफ्ट अमेरिकन कंपनी के द्वारा तैयार की गई है। इस एयरक्राफ्ट को भारत सहित 23 और भी देश इस्तेमाल करते हैं। मौजूदा समय में भारत के पास 12 C-30J सुपर हरक्यूल्स एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। इस एयरक्राफ्ट को उड़ाने के लिए कुल 3 क्रू मेंबर की जरूरत होती है। और इस एयरक्राफ्ट की पैसेंजर ढोने की क्षमता की बात करूं, तो इसमें एक साथ 92 पैसेंजर को ढोया जा सकता है। ये एयरक्राफ्ट एक साथ 19,051 केजी का वजन अपने साथ लेकर उड़ सकता है। इसका मैक्सिमम स्पीड 670 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये एयरक्राफ्ट 3,300 किलोमीटर का रेंज भी कवर करता है। ये फाइटर विमान इंडियन एयरफोर्स में ट्रांसपोर्ट के लिहाज से अहम भूमिका निभाती है। नंबर 9 पर आता है C-17 ग्लोब मास्टर। ये एक हैवी ट्रांसपोर्टेशन एयरक्राफ्ट है जो कि इंडियन एयरफोर्स में ट्रांसपोर्टेशन के लिहाज से काफी अहम भूमिका अदा करती है। ये एक विशाल, मजबूत और लंबी दूरी तक सामान ढोने वाला एयरक्राफ्ट है। ये किसी भी वेदर कंडीशन में लंबी दूरी तक बड़े से बड़े हथियारों को, सैनिकों को और सहायता ले जाने में पूरी तरह सक्षम है। दोस्तों, इस एयरक्राफ्ट को अमेरिकन कंपनी बोइंग के द्वारा बनाया गया है। वर्तमान समय में इस एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल 9 और देश के द्वारा किया जाता है जिसमें हमारा प्यारा देश भारत भी शामिल है। मौजूदा समय में भारत के पास 11 C-17 ग्लोब मास्टर एयरक्राफ्ट मौजूद है। दोस्तों, ये 128 टन वाली भारी भरकम विमान किसी भी एडवांस लैंडिंग ग्राउंड पर आसानी से लैंड कर सकती है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के नजदीक स्थित हवाई पट्टियां एडवांस लैंडिंग ग्राउंड के नाम से जाना जाता है। वर्तमान समय में भारतीय वायुसेना के पास ये एयरक्राफ्ट सबसे बड़ा और विशाल एयरक्राफ्ट है। इस एयरक्राफ्ट को उड़ान भरने के लिए 3 क्रू मेंबर की आवश्यकता होती है। दोस्तों, ये एयरक्राफ्ट की वजन उठाने की क्षमता 77,519 किलोग्राम है और इसमें एक साथ करीब 150 पैसेंजर भी बैठ सकते हैं। इसके अलावा ये एयरक्राफ्ट आर्मी टैंक और बड़े बड़े हथियारों को ले जाने में भी सक्षम है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 1,080 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये 4,480 किलोमीटर की रेंज को भी कवर करता है। ये 70 टन वजन ले जाने में भी सक्षम है। इंडियन एयरफोर्स में ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस एयरक्राफ्ट का काफी इस्तेमाल किया जाता है। आपको बता दें कि इस विमान का भारतीय वायुसेना के द्वारा कई ऑपरेशन में सक्सेसफुली इस्तेमाल किया जा चुका है। नंबर 8 पर है लुइसिन 78। दोस्तों, इस एयरक्राफ्ट का हवा के बीच में दूसरे एयरक्राफ्ट में फ्यूल भरने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रोसेस में एक एयरक्राफ्ट दूसरे एयरक्राफ्ट को हवा में ही फ्यूल दे देता है। दुनिया में बहुत ही कम ऐसे देश हैं जिसके पास इस तरह के एयरक्राफ्ट हैं जो हवा में फ्यूल भरने की क्षमता रखती है। और उन देशों में हमारा प्यारा भारत देश भी शामिल है। भारत के पास फिलहाल रूस के द्वारा मैन्युफैक्चर किया हुआ लुइसिन 78 है जो हवा में फ्यूल भरने की क्षमता रखती है। लुइसिन 78 एयरक्राफ्ट अधिकतम 21 लाख किलोग्राम का वजन लेकर उड़ान भरने में सक्षम है।
दोस्तों इस एयरक्राफ्ट में चार शक्तिशाली इंजन शामिल है जो 27,000 पाउंड का थ्रस्ट पैदा करता है यानी कि पावर, और जब ये एक बार उड़ान भरता है तो 850 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 7,300 किलोमीटर का सफर एक बार में तय करने में सक्षम है। दोस्तों ये एयरक्राफ्ट 900 से 2200 लीटर प्रति मिनट दूसरे एयरक्राफ्ट में फ्यूल भरने की क्षमता रखता है। हवाओं में फ्यूल भरने में सक्षम फाइटर जेट में सुखोई 31, मिराज 2000, जेगवार, तेजस और रफाइल जैसे विमान शामिल हैं। दोस्तों ये विमान युद्ध के समय में भारत के लिए काफी उपयोगी साबित हो सकता है, क्योंकि जब दो देश के बीच युद्ध चल रहा हो उस समय में फाइटर प्लेन को जब ईंधन की जरूरत होगी तो उस वक्त ईंधन भरवाने के लिए इसे एयरबेस पर नहीं आना पड़ेगा और उसमें हवा में ही ईंधन भर दिया जाएगा और वो एयरक्राफ्ट वापस से युद्ध के मैदान में लड़ाई के लिए जा सकता है और समय भी बच सकते हैं, और ऐसा करने में बहुत ही कम समय में फाइटर प्लेन युद्ध के लिए फिर से तैयार किया जा सकता है। अपने इसी खासियत के कारण ये एयरक्राफ्ट भारतीय सेना के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। दोस्तों नंबर 7 पर आता है मिकोयान MiG-21। MiG-21 एक रशियन फाइटर जेट और इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट है। इस फाइटर जेट की मैक्सिमम स्पीड 2175 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये एयरक्राफ्ट 608 किलोमीटर की रेंज को कवर करता है। वहीं इस एयरक्राफ्ट में एयर ड्रिवेन मिसाइल और बम भी फिट किया जा सकता है। इसकी लोड क्षमता 8025 किलोग्राम की है। वर्तमान समय में भारत के पास 108 ऐसे मिकोयान MiG-21 एयरक्राफ्ट हैं जो भारतीय नौसेना में मौजूद हैं। ये एक सिंगल सीटर जेट है। दोस्तों ये वही MiG-21 एयरक्राफ्ट हैं जिसे बालाकोट स्ट्राइक के समय में जांबाज विंग कमांडर अभिनंदन ने पाकिस्तानी फाइटर प्लेन F-16 को मार गिराया था। हालांकि इस बात को पाकिस्तान के द्वारा कभी भी खुलकर स्वीकार नहीं किया गया, ना तो पाकिस्तान को और ना ही अमेरिका को ये बात पसंद थी कि 60 साल पुरानी फाइटर जेट पाकिस्तानी सेना के रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले F-16 फाइटर जेट को मार गिराए। नंबर 6 पर है जेगवार एयरक्राफ्ट। दोस्तों इस एयरक्राफ्ट के डिजाइन की खासियत ये है कि इसके हाई विंग लोडिंग की डिजाइन की वजह से कम ऊंचाई पर ये बहुत आसानी से उड़ सकता है और हथियारों को भी अपने साथ ढोने में सक्षम है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इंडियन एयरफोर्स में मौजूदा समय में 118 ऐसे जेगवार एयरक्राफ्ट एक्टिव रूप से काम कर रहा है। दोस्तों जेगवार एयरक्राफ्ट एक सिंगल सीटर और डबल इंजन वाला फाइटर प्लेन है। बिना किसी लोड का इसका वजन 7000 किलोग्राम है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 1700 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये जेट 3524 किलोमीटर का रेंज कवर करता है। लाइसेंस के थ्रू इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है। इस फाइटर प्लेन में कई अटैच्ड मिसाइल और लेजर गाइडेड बम भी फिट किए हुए हैं। इसके अलावा ये न्यूक्लियर अटैक करने में भी सक्षम है। नंबर 5 पर है मिकोयान MiG-29। ये एयरक्राफ्ट रशिया के द्वारा मैन्युफैक्चर की गई एक मल्टी रोल कॉम्बैट फाइटर एयरक्राफ्ट है। इसे भी मिकोयान कंपनी के द्वारा ही मैन्युफैक्चर किया गया है। मौजूदा समय में इस फाइटर जेट का इस्तेमाल 40 देश कर रहे हैं। मौजूदा समय में इंडियन एयरफोर्स में 65 MiG-29 एक्टिव हैं और ये सिंगल सीटर डबल इंजन वाला एक फाइटर प्लेन है जिसका वजन 11000 किलोग्राम है। ये फाइटर जेट आसमान की ओर सीधी 90 डिग्री पर टेक ऑफ कर सकता है। इसके साथ ही इसमें दुश्मन के विमान को देखकर 5 मिनट में टेक ऑफ करने की क्षमता है। इस एयरक्राफ्ट की मैक्सिमम स्पीड 2400 किलोमीटर प्रति घंटा बताया गया है। ये 1430 किलोमीटर का रेंज भी कवर करता है। इसमें एयर टू एयर मिसाइल और कई रॉकेट फिट किए गए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कारगिल वार के समय में भी इस विमान का उपयोग काफी इम्पोर्टेंट साबित हुआ था। दोस्तों अब नंबर 4 पर आता है डसॉल्ट मिराज 2000। ये एक फ्रेंच मल्टी रोल सिंगल इंजन सिंगल सीटर फोर्थ जनरेशन फाइटर जेट प्लेन है और इसकी मैन्युफैक्चरिंग डसॉल्ट कंपनी के द्वारा ही किया गया है। जब ये विमान पूरी तरह से लोड हो जाता है तो ये 30mm रॉकेट और कई अलग प्रकार के मिसाइल और लेजर गाइडेड बम से दुश्मनों के छक्के चुराने में सक्षम है। डसॉल्ट मिराज 2000 को सबसे शक्तिशाली और
सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए बनाया गया है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 2236 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये फाइटर प्लेन 1550 किलोमीटर की रेंज कवर करता है। मौजूदा समय में भारतीय नौसेना में 45 डसॉल्ट 2000 मिराज एक्टिव रूप से काम कर रहा है। दोस्तों, किसी भी एयरक्राफ्ट को उड़ान भरने के लिए लंबी रनवे की जरूरत होती है, पर डसॉल्ट 2000 बहुत छोटी रनवे या फिर 400 मीटर से भी कम के रनवे पर उड़ान भर सकती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये अपने उड़ान के दौरान पायलट के आवाज के इंस्ट्रक्शन पर भी काम करती है, यानी कि इसका एक बड़ा सा हिस्सा वॉइस कमांड के माध्यम से कंट्रोल किया जा सकता है। आपको बता दें कि इंडियन एयरफोर्स में कई बड़े बड़े मिशन को इस एयरक्राफ्ट की मदद से सक्सेसफुल अंजाम दिया जा चुका है। नंबर 3 पर है HAL Tejas। HAL Tejas एक इंडियन सिंगल इंजन फोर्थ जनरेशन मल्टी रोल फाइटर जेट है। इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिकल के द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया है। भारतीय सेना में वर्तमान में 19 HAL Tejas एक्टिवली काम कर रही है और 104 HAL Tejas फाइटर जेट अभी ऑर्डर में है, जो कि बहुत जल्द भारतीय सेना में शामिल होने वाली है। इस स्वदेशी फाइटर जेट की सबसे बड़ी बात यह है कि इसके रिकॉर्ड में 0 क्रैश शामिल है, यानी कि अभी तक के समय में इस एयरक्राफ्ट ने एक बार भी क्रैश नहीं किया है। वहीं अगर इसके स्पीड की बात करूं तो ये 2220 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरने में सक्षम है और ये 3200 किलोमीटर की दूरी एक बार में आसानी से उड़ान भर सकता है। दोस्तों, ये एयरक्राफ्ट 1850 किलोमीटर का रेंज भी कवर करता है। HAL Tejas को बनाने में 41% कार्बन फाइबर और 43% एल्यूमिनियम और टाइटेनियम जैसे मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से ये काफी हल्की, मजबूत और टिकाऊ बन जाता है और साथ ही इस जेट का वजन भी काफी कम होगा और इन मटेरियल के इस्तेमाल के कारण रडार के द्वारा भी इसे आसानी से डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। ये एक बार में 54,000 फीट तक की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। वहीं पर ये तेजस फाइटर जेट अपने साथ 5,000 किलोग्राम तक का वजन ले जा सकता है। इसमें लेजर गाइडेड मिसाइल और बम जैसे हथियार भी शामिल हैं। ये फाइटर जेट सिंगल सीटर और डबल सीटर दोनों फॉर्मेट में होते हैं। नंबर 2 पर है डसॉल्ट रफायल। डसॉल्ट रफायल फाइटर जेट दुनिया की सबसे आधुनिक तकनीक से बना फाइटर जेट का एक बेहतरीन नमूना है। अपने आधुनिक नेविगेशन सिस्टम के कारण ये फाइटर जेट लंबी दूरी से सटीक निशाना लगाने में सक्षम है। अपने टारगेट की पहचान करने के लिए रफाइल जेट सर्च और ड्रैग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। रफाइल हथियारों को ढोने के साथ साथ सभी प्रकार के मिशन को अंजाम देने के लिए काफी सक्षम माना जाता है। ये एक 4.5 जनरेशन मल्टी रोल कॉम्बैट फाइटर प्लेन है। इसे फ्रांस के डसॉल्ट कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया है। मौजूदा समय में इंडियन एयरफोर्स में 35 डसॉल्ट रफाइल एक्टिव हैं और एक रफाइल जेट इंडियन एयरफोर्स में बहुत जल्द शामिल होने वाले हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि रफाइल सिंगल इंजन और डबल इंजन दोनों में आते हैं। यह फाइटर जेट कई भारी भरकम हथियारों को कैरी करने में सक्षम है। ये न्यूक्लियर अटैक करने में भी कैपेबल है। डसॉल्ट रफायल 2223 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है और ये 3700 किलोमीटर की रेंज को कवर करता है और इसकी वजन करीब 10,500 किलोग्राम है। दोस्तों, रफायल का इस्तेमाल 5 देश के द्वारा किया जाता है, जिसमें हमारा प्यारा देश भारत भी शामिल है। दोस्तों, अब बात करते हैं इस लिस्ट के नंबर 1 फाइटर एयरक्राफ्ट की। इस लिस्ट में नंबर 1 पर आता है सुखोई SU-30। दोस्तों, रशियन सुखोई SU-30 को भारतीय वायुसेना का सबसे शक्तिशाली और बेहतरीन फाइटर एयरक्राफ्ट माना जाता है। भारतीय वायुसेना के पास 272 सुखोई SU-30 एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। सुखोई 30 दो इंजन वाला एयरक्राफ्ट है और 2 क्रू मेंबर मिलकर इस जेट को ऑपरेट करते हैं। इसमें से कुछ एयरक्राफ्ट तो सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस को लॉन्च करने के लिए भी बनाया गया है। इसे भारत की जरूरत के हिसाब से मैन्युफैक्चर किया गया है। सुखोई 30 3000 किलोमीटर तक अपने टारगेट को स्ट्राइक कर सकता है। वहीं पर इसका रेंज 3200 किलोमीटर का है और साथ ही कॉम्बैट रेडियस 1500 किलोमीटर का। काफी वजनदार होने के बावजूद भी ये एयरक्राफ्ट
अपने तेज स्पीड के लिए जाना जाता है। इस फाइटर जेट की मैक्सिमम स्पीड 2120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। इस फाइटर प्लेन को आसमान में कलाबाजी और बहुत तेजी से अपने दिशा बदलने के लिए भी जाना जाता है। दोस्तों, इस शक्तिशाली और खतरनाक फाइटर जेट को इंडियन एयरफोर्स की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है और भारत में स्वदेशी एयरक्राफ्ट के तौर पर इसे विकसित किया गया है। इस फाइटर जेट में एयर टू एयर मिसाइल, एयर टू सरफेस मिसाइल, एंटी शिप मिसाइल, एंटी रेडिएशन मिसाइल भी लगाई गई है। तो दोस्तों, ये थी 10 सबसे बेहतरीन फाइटर एयरक्राफ्ट जो हमारे भारतीय वायुसेना की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। आपको इन सभी एयरक्राफ्ट में से सबसे शक्तिशाली और घातक एयरक्राफ्ट कौन सा लगा है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द ही मिलते हैं एक और शानदार वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और मुस्कुराते रहें।